जान, तुम्हें ढूंढ रहा था, 2 मिनट है तुम्हारे पास? हाँ बोलो, क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे कहूं, लेकिन मुझे तुमसे ये बात बतानी है। समझ नहीं आ रहा है कैसे बताऊं मैं। मेटिन, क्या हुआ, साफ साफ बताओ। हम तुम्हारे पापा के वकील हैं और हमें बहुत कुछ छुपा के रखना है, और ये बात आसान नहीं है। मेटिन, कल तुम्हारे पापा जा रहे हैं बोट पर, समुद्र का सैर करने नहीं? हाँ पता है। और ना ही कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। तो फिर कहां जा रहे हैं वो? चेकअप करवाने के लिए। क्यों, हुआ क्या है डैड को? सुनो, फिक्र मत करो, कल वो चले जाएंगे और तुम उन्हें काफी लंबे समय तक नहीं मिल पाओगे, इसलिए बता रहा हूं तुम्हें। मेटिन, तुम मुझे साफ साफ बताओगे बात क्या है? उनके लंग्स में स्वेलिंग है, कुछ सीरियस है, लेकिन उनका इलाज हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। जान, आई एम सो सॉरी, तुम्हें ये बात अचानक से बतानी पड़ी। और डैड जा कहां रहे हैं? क्यूबा। सब कहते हैं कि वो मेडिकल इंडस्ट्री में सबसे आगे है। जान, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। जान सुनो, वो तुम्हें और एमरे को बिना बताए अपना इलाज करवाने जा रहे हैं। पहले उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी और डॉक्टर ने उन्हें समुद्र के किनारे जाने की सलाह दी। वो पहले बोट से इटली जाएंगे और वहां से एरोप्लेन से क्यूबा जाएंगे। मैं डैड से जाकर मिलता हूं। जान सुनो, ये बात किसी से मत कहना। तुम्हारे पापा नहीं चाहते कि इस बात की खबर किसी को भी हो, एमरे को तो बिल्कुल भी नहीं। वो नहीं चाहते कि उसे इस बारे में पता चले। ठीक है मैडम, ठीक है, समझ गया मैं। मुझे पहले मेरी असिस्टेंट को फोन करना होगा, उसके बाद हम बात करेंगे। ओके, मैं इतनी जल्दी नहीं आ पाऊंगा। अचानक कुछ ऐसा आ गया जिसे मैं अवॉइड नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। बाय मेटिन, बाय। नहीं, मैं तुरंत नहीं लौटूंगा। मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। बदकिस्मती से कुछ चीजें ऐसी हो गई कि उन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता और मुझे ही उन्हें संभालना होगा। सनम, चलो। हाँ, आ रही हूँ। डैड आप ठीक है? स्कैंडल है ये, स्कैंडल। चलो आप। सब लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे एलेन की एजेंसी के बारे में। ये किसका आइडिया था, तुम्हारा या उसका? बखेड़ा खड़ा हो गया, बखेड़ा। आइए चलते। मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है? आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, तुम्हें यहां देख के अच्छा लगा। अगली बार हम ज्यादा समय बिताएंगे साथ में। थैंक्स, होप सो, सी यू। हम लोग होटल चल रहे हैं ना? नहीं। ठीक है, फिर तुम जाओ। पॉलिन, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं तुमसे कब नाराज हुई? तुम बिल्कुल वैसे ही हो। कल सुबह मेरी 6 बजे फ्लाइट है, तुम बिल्कुल वैसे ही हो हमेशा की तरह। कल सुबह हम वक्त बिताएंगे। लेकिन कल सुबह तो मुझे जल्दी निकलना होगा, अगली बार मिलेंगे। Thank you.